फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अंतर्द्रवी जालिका के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग अगला कोशिकांग गोल्जी अपरेटस, गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गोल्जी उपकरण होता किस तरह का? ये ट्यूब जैसे होते हैं, इस तरह से ट्यूब के रूप में इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, ये गोल्जी उपकरण होते हैं, इस टाइप से बने होते हैं। इनका क्या काम है? तो जो हम पिछला वीडियो में बताए, जो ईआर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें क्या क्या चीज बन रहा था? फैट बन रहा था, लिपिड बन रहा था और प्रोटीन बन रहा था। वसा, लिपिड और प्रोटीन, तो ये सब जो बनता है ईआर में, उसका यहाँ पे पैकेजिंग होता है। ठीक है, ये जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी उपकरण है, ये क्या करता है? ईआर में जो भी चीज बना हुआ है उसको यहाँ पे पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है, पैकेजिंग सबसे पहले तो ये इसका तीन काम क्या क्या? एक स्टोरेज, उसके बाद मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। ठीक है, ये जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी उपकरण का तीन काम क्या है? एक स्टोरेज, फिर मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। स्टोरेज करने का मतलब ये पहले स्टोर करता है, फिर उसका मॉडिफिकेशन करता है, उसको अच्छा करता है, ठीक करता है, और फिर उसका पैकिंग करता है। ठीक है, जो ईआर में चीज बनता है वो ईआर भेज देता है किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास। अब यहाँ पे ये क्या करता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग करता है। ठीक है, जैसे हम लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, सामान वो खुद नहीं देता है, वो कहीं और से कॉन्टेक्ट होता है, जहां से वो सामान को लाता है। ठीक है, उसको स्टोरेज करता है, फिर उसको मॉडिफाई, उसको अच्छा से ठीक करके, उसको पैकिंग करके फिर हम लोग को भेजता है। तो यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट या जो अमेजन है वो गोल्जी उपकरण के ही जैसा काम करते हैं, और ये जो ईआर है ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे सामान बनता है। तो क्या होता है, ये भेज देता है अमेजन को, फैक्ट्री क्या करता है, बना के अमेजन या फ्लिपकार्ट को भेजता है, या कोई दुकान भी हो सकता है, वो भेज देता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, अमेजन में या फ्लिपकार्ट में या जितने भी साइट है इस टाइप के, उन लोग उसको अच्छे से पैकिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको भेजते हैं। ठीक है, तो वहां से उन लोग सामान को लाके पहले स्टोरेज करके रख लेता है फैक्ट्री से, उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई, उसको थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ है या कुछ खराबी है तो उसको अच्छा करके फिर उसको पैकेजिंग करके भेजते हैं। तो ये जो गोल्जी ऑपरेटर है ये बिल्कुल वही काम करते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट के जैसे। ठीक है, इनका मेन काम क्या है, जो ईआर में जो बना है सामान उसको ला के, उसको स्टोरेज करके, उसको मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करके अलग अलग जगह पे, जिसका जहां मतलब जरूरत है जिसका, उसको वैसे जगह में भेजेगा। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी उपकरण का एक और काम क्या है, जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करते हैं कौन? गोल्जी उपकरण। ठीक है, ये लाइसोसोम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका काम हम लोग देख लेना, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, इसके साथ साथ लाइसोसोम के बनने में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम बनने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।